ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल इंबैलेंस के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हार्मोनल इंबैलेंस का मसला बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी और कॉमन वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में सिर्फ हमारी डाइट ही नहीं आ जाती, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, हमारा हर वक्त अपने घरों में कैद रहना और बाहर जाके पार्क्स में या वो वाली वॉक जो हमारे बड़े बूढ़ों की हुआ करती थी, वो वाली फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारे बड़े बूढ़ों की हुआ करती थी, वो फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, जंक फूड का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा करना और सोने जागने की जो रूटीन हमारी डिस्टर्ब हुई हुई है। सारी दुनिया जब सो रही होती है हम जाग रहे होते हैं, जब सारी दुनिया जाग रही होती है हम सो रहे होते हैं। सो रात को जागना, सुबह को सोना, ये बहुत सारे जो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं वो फिर कंट्रीब्यूट करते हैं हार्मोनल इंबैलेंस की तरफ। और फिर हार्मोनल इंबैलेंस कई दफ़ा तो देखिए, कई दफ़ा लाइफस्टाइल हमारी चॉइस होता है, मतलब हमारी हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी नहीं कर रहे, कई दफ़ा वो हमारी मजबूरी होती है। जैसे कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं या जो लोग काम ही नाइट शिफ्ट में करते हैं, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने पूरी रात जागना है, पूरा दिन सोना है। जो नर्सेस हैं या जो कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती हैं और ज़ाहिर है फिर उन्हें पूरी रात जागना, पूरा दिन सोना है। सो वहाँ तो समझ आती है, लेकिन कई दफ़ा हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमने पूरी रात बैठ के टीवी देखते रहना है, हमने पूरा दिन जो है वो सोते रहना है, हमें पूरे दिन में हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि रोक टोक हो रही होती है माँ बाप की तरफ से, तो हमें रात में बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि हम फिल्में बैठ के देखते रहें और साथ साथ खाते रहें। जाहिर है सबकी वजह से कहीं ना कहीं हार्मोनल इंबैलेंस जो है वो शुरू हो जाता है, हार्मोनल इंबैलेंस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर इसके लिए डाइट कौन सी होनी चाहिए वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आती है सब्जियों का और फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो जितना हो सके ज़्यादा करें, और सब्जियों में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है वो हरे पत्ते वाली सब्जी इस्तेमाल ना करें, जिनका PCOS का मसला है या वैसे कोई हार्मोनल इंबैलेंस है तो वो हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं फिर रिपीट करती हूँ, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है वो हरे पत्ते वाली सब्जियाँ इस्तेमाल ना करें, और जिनको PCOS का या कोई और हार्मोनल इंबैलेंस है या कोई और मसला दरपेश है वो हरे पत्ते वाली सब्जियाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर हम एक जनरल बात करें तो जितनी आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतना हार्मोनल इंबैलेंस जो है वो बेहतर जल्दी होगा। हार्मोनल इंबैलेंस लेके जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, यकीन करें दवाइयों के एंड पे सिर्फ इतना लिखा होता है वज़न कम करें या अपना अपना खाना पीना ठीक करें या डाइटिशियन को कंसल्ट करें या अपनी जो है वो रूटीन ठीक करें। सो हार्मोनल इंबैलेंस बहुत हद तक रिलेटेड आपकी डाइट के साथ, और अगर आप सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल ही अपनी डाइट के अंदर ले आते हैं तो हार्मोनल इंबैलेंस उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। सो पहली चीज़ बहरहाल सब्जियों का इस्तेमाल एंड फ्रूट का इस्तेमाल। फ्रूट में जितने बेरीज हैं ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है, बेरीज़ आने भी वाली हैं, बेरीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा आजकल हमारे पास सीज़न में ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, जितना विटामिन सी आप इस्तेमाल करेंगे उतना जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलेंगे और उतना हार्मोनल इंबैलेंस जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सो पहली चीज़ जो आ गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दूसरी चीज़ आ गई कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन को प्रेफर करें। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन से क्या मुराद है कि दालों का इस्तेमाल, लोबिया वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें एंड गोश्त का इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ना करें, गोश्त का इस्तेमाल करें लेकिन इत्तेदाल में रह के, जो हम हर चीज़ के अंदर गोश्त डाल देते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आप गोश्त का इस्तेमाल, आप गोश्त में चिकन, मटन, बीफ वगैरह तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, फ़िश भी इसी में आता है, तो ये 4 चीज़ें जो हैं आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। प्रेफर करें कि आप दालों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। फ़िश की जब हम बात करें तो हफ्ते में 2 दफ़ा कम अज़ कम फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल करें, 1 टाइम विद स्किन, 1 टाइम विदाउट स्किन।
स्किन के साथ आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, विदाउट स्किन आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। हफ्ते में कम से कम दो दफ़ा फिश का इस्तेमाल ज़रूर करें, बाकी दो दफ़ा चिकन मटन या बीफ में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में तीन दफ़ा कोशिश करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी दालों का इस्तेमाल प्रेफर करें, दालों का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब हम डेयरी की अगर बात करें तो हार्मोनल इम्बेलेंस स्पेसिफिकली PCOS के लिए डेयरी को रिस्ट्रिक्ट कर दें। अगर आपका PCOS का मसला है, हाइपोथायरॉयडिज्म में आप डेयरी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका PCOS का मसला है तो सबसे पहले तो अपनी डेयरी रिस्ट्रिक्ट कर दें। डेयरी में दूध दही चीज़ तीन चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। डेयरी आप ऑफ एंड ऑन ऐड कर सकते हैं। ऑफ एंड ऑन से मुराद ये है कि महीने में अगर 30 दिन है तो उसमें से आपको 5-6 दिन डेयरी का इस्तेमाल कर लें, या 15 दिन भी अगर आपने बहुत डेयरी रिस्ट्रिक्ट करके रखी है तो आप एक ये कर सकते हैं कि आप 15 दिन इस्तेमाल कर लें। लेकिन करनी कैसे है, हल्दी दूध, हल्दी के बगैर आप दूध कभी भी नहीं पी सकते। अगर आपने दही इस्तेमाल करना है तो अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिन्हें कहते हैं, एक चाय का चम्मच फ्लैक्स सीड्स उसमें दादर करके यानी मोटे मोटे कूट के डालें। जिस टाइम पे आपने अलसी खानी है उसी टाइम पे आपने उसको दादर करना है, वरना वो ज़ाया हो जाती है। सो अलसी डाल के आप एक कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपने मुसलसल नहीं करना, खुद को ब्रेक दें। लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर हफ्ते अगर महीने में 30 दिन है तो 6-7 दिन आप डेयरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे चले जाएं। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में जितने हमारे पास सीड्स हैं, जैसे बादाम हो गए, चिया सीड्स वगैरह हो गए, जितने हमारे पास सीड्स हैं वो सारे के सारे कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे या सप्लीमेंट्स से आप कैल्शियम ले सकते हैं। इस केस में डेयरी को चूज करना कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। सो डेयरी PCOS के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म का जिसका मसला है वो प्रेफर करे कि वो दही का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स का ज्यादा अच्छा सोर्स है। दूध का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध उसको नुकसान नहीं देगा, लेकिन दूध उसको वो फायदा भी नहीं देगा जो दही देगा। सो डेयरी सेक्शन जब आपने चूज करना है हाइपोथायरॉयडिज्म वालों ने, तो वो चीज एंड मिल्क पे दही को, योगर्ट को प्रेफर करें, कर्ड को प्रेफर करें, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स ज़्यादा अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके लिए नट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर जिंक बहुत अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है। एक मुट्ठी मिक्स नट्स दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। अब उसमें हम चीटिंग ये करते हैं, हम इतनी ज़ोर की मुट्ठी भरते हैं कि वो सारे नट्स जो हैं वो दोनों तरफ को गिर रहे होते हैं। ये काम नहीं करना, ईमानदारी के साथ एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो 1/4 कप के अंदर जितने नट्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है, मैं PCOS की बात नहीं करी, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है वो पीनट्स को अवॉइड करेंगे, बाकी सारे के सारे जो नट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो अगर हम आप कार्ब्स की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि PCOS और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों वालों या जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उन सब ने बहुत केयरफुली बहुत वाइजली चूज करना है, वो है उनका कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी चावल ब्रेड वाला सेक्शन, ये बहुत वाइजली चूज करना होता है। चावल का इस्तेमाल मैं ये नहीं कहती बिल्कुल चावल निकाल दें अपनी डाइट से। आप कब तक चावल निकाल देंगे? आप चावल जब भी दोबारा डाइट में ऐड करेंगे आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। चावल निकालने नहीं है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ 10-12 टेबलस्पून एक मील में चावल इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। रोटी अगर आपने इस्तेमाल करनी है, आजकल मल्टी ग्रेन आटा आया हुआ है उसकी रोटी इस्तेमाल करें। अगर आपको मल्टी ग्रेन नहीं पसंद आता तो चौकर के आटे की एटलीस्ट इस्तेमाल करें, वाइट आटा इस्तेमाल ना करें। जितने आप रिफाइंड कार्ब्स की तरफ जाएंगे हार्मोनल इम्बैलेंस उतना बढ़ेगा। अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रान ब्रेड को प्रेफर करें। अगर आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो मज़ीद ख़राब होता जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाती जाएंगी। फिर अब हम बात करते हैं रिफाइंड कार्ब्स की। रिफाइंड कार्ब्स में जितनी हमारे पास टॉफियाँ च्युइंगम्स जो हम बैठे बैठे खा लेते हैं वो सारी रिफाइंड कार्ब्स में आती हैं। रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना है। जितने बिस्किट्स हैं, कई दफ़ा ख़वातीन मेरे पास आके कहती हैं हम तो बड़ा लाइट नाश्ता करते हैं, और जब मैं पूछती हूँ नाश्ता क्या होता है तो वो 20 रुपये का जो बिस्किट का पैकेट है हम तो वो इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। भाई जो आप बिस्किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं बने वो भी मैदे से और ऑयल से हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना। वो रिफाइंड कार्ब्स हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, चाहे वो PCOS का मसला है, चाहे वो किसी किस्म का कोई मसला है हार्मोन से रिलेटेड, रिफाइंड कार्ब्स यानी बिस्किट हो गए या पैकेट की जितनी चीज़ें हैं वो उसको ख़राब करेंगी, उसको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। सो हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट, आपने रोटी चावल की बड़ी अच्छी सिलेक्शन करनी है। यहाँ अगर आपने अच्छी सिलेक्शन ना की, अच्छे डिसीजन ना लिए,
तो आप एक सर्कल में घूमते जाएंगे। अब सर्कल में घूमते जाने से क्या मुराद है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेगा वजन कम करो, जब आप वजन कम करने की कोशिश करेंगे उसमें रिफाइंड कार्ब्स ऐड करेंगे दोबारा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, दोबारा डॉक्टर कहेगा वजन कम करें, आप उसी एक दायरे में घूमते रहेंगे, वजन कम करें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ठीक होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा तो वजन कम होगा, सो वो एक दायरा जो है वो आपका चल जाएगा और आप उसी में कहीं फंस के रह जाएंगे। बेहतर ये है कि आप केयरफुली अपने कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना टाइम शुरू कर दें ताकि एक दफा आपका वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाएगा तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस ठीक हो जाएगा। अगर आपका हार्मोनल इंबैलेंस ठीक नहीं होता आपका वजन भी बढ़ता जाएगा और डॉक्टर भी ऑन द अदर एंड ये कहेगा कि वजन कम करके आए हमारे पास। सो बहरहाल सारा हमारा सेशन था उसको वाइंड अप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स चोकर की रोटी आप खा सकते हैं, राइस आप ब्राउन राइस को प्रेफर करें, अगर आप व्हाइट राइस लेना भी चाहते हैं तो 10 to 12 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं, ब्राउन ब्रेड को मल्टीग्रेन ब्रेड को प्रेफर करें। प्रोटीन फिश बहुत अच्छी है, ट्वाइस अ वीक आपने इसका इस्तेमाल करना है, वन टाइम विद स्किन वन टाइम विदाउट स्किन आपने इस्तेमाल करनी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, बाकी जो 2 दफ़ा फिश ले लें और जो 2 दफ़ा बचेगा बीफ मटन या चिकन में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें। दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है, PCOS के पेशेंट दूध का इस्तेमाल बाकायदगी से ना करें, ऑफ एंड ऑन डेयरी को ऐड करते रहें, डेयरी को सब्स्टिट्यूट करें कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज के साथ या सप्लीमेंट्स इसमें ऐड करें। अगर आपने दूध दही लेना ही है तो दूध जो है हल्दी के साथ दही है तो वो अलसी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जितना हो सके करें, विटामिन सी रिच फ्रूट एंड बेरीज जो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो हार्मोनल इंबैलेंस के क्लाइंट के लिए ज्यादा अच्छी हैं। आप कुछ मिथ, जैसे एक मिथ बहुत ज्यादा मशहूर है कि जी चिकन का इस्तेमाल करने से हार्मोनल इंबैलेंस होता है, मैं ये भी क्लियर करती चलूं ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूं कि कई दफा फीड को इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो चूजा है वो बड़ी जल्दी बड़ा हो जाता है और कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी बड़ा हो गया, सारा कुछ वो सारी चीजें मैं मानती हूँ, उस चीज पे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कोई भी हार्मोन उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता जिस टेम्परेचर पे हम पाकिस्तानी अपना खाना बनाते हैं, हम देसी लोग जिस टेम्परेचर पे अपना खाना बनाते हैं, हम हार्मोन्स के, हम तो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर वो जाया कर चुके होते हैं। सो मैं नहीं मानती कि कोई हार्मोन पीछे बचेगा। बहरहाल देसी या ब्रॉयलर का हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मिथ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम ज्यादा काम ये खराब करते हैं। हम अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के PCOS डायग्नोज हुए हैं, हम उसका चिकन बंद करा देंगे और दूध ऐड करा देंगे। सो ये ज्यादा गलत हम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि और बल्कि उल्टा ये होता है कि अगर मैं कहती हूँ कि डेयरी रिस्ट्रिक्ट करें तो अक्सर माएँ कहती हैं नहीं नहीं बच्ची का बच्ची को कमजोरी हो जाएगी। कैल्शियम के ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाएं। जो मिथ्स हैं कि जी आपने चिकन छोड़ देना और दूध ऐड कर देना है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, इससे कोई हार्मोनल इंबैलेंस ठीक नहीं होगा, उल्टा चीजें खराब होती जाएंगी। शुक्रिया बहुत बहुत।